हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो वो सब डेली व्लॉग के ऊपर होगी। तो दिखाऊंगा सुबह के शाम तक मैं क्या करता हूँ, और ये आज की मैं सभी एक्टिविटी आपको व्लॉग में इंक्लूड करूंगा। तो पहली बार मैं व्लॉग का ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और आपको लिए इस वीडियो को शुरू करते है। तो आज है ना, मैंने नाश्ता तो बनाना ही पड़ता है सुबह सुबह, अब यूनिवर्सिटी जाना है। तो देखो मैंने क्या बनाया है। ये मैंने है ना थोड़े रात को है ना भिगो के रख दिए थे मूंग और चने। तो सुबह उठा और नहा के फ्रेश होके मैंने ये चीजें, मतलब ये हम इसको बोलते हैं, मतलब इसको मतलब फ्राई करना होता है, मूंग और चने है। तो अभी थोड़ा खाऊंगा और बाद में थोड़ा टिफिन में भी ले लूंगा, तो वहां पे भी हो जाएगा। तो आज मेरे लेक्चर 9:20 को स्टार्ट होने वाले है, और उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा 8:49 को। और 8:49 से निकलने के लिए अभी अभी कितना टाइम बचा है, 8:24 हुई है, और मुझे अभी 20 मिनट में नाश्ता करके तैयार होना है। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेता हूँ, और बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी में, मतलब पूरा पूरा आपको चीज दिखाऊंगा कि कैसे लेक्चर अटेंड करते हो, सभी चीजें मैं आज के व्लॉग में इंक्लूड करूंगा। तो आज का वीडियो रहने वाला है यहाँ की स्टूडेंट की डे टू डे लाइफ के बारे में। तो पूजा भी कर ली, और अभी है ना टाइम क्या हुआ है, तो 8:40 हो गई है, और हमें जाना है यहाँ पर, और वहां पे है ना ट्राम का स्टेशन है वहां पे, तो हमें वहीं पे जाना है। देख लो ट्राम भी आ गई है, पर दूसरी वो हमारी नहीं है। बैग भी आ गई, बोतल भी आ गई, रेडी हो गए, तो चलिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई, 45 हो गई है और 3 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। बहुत सही दिन है आज, तो प्रॉब्लम क्या होती थी पता है कि रेगुलरली है ना हर रोज ऐसा दिन नहीं होता। तो कल तो क्या हुआ कि थी ना एक लेक्चर में मैं था, तो विंडोज में देख रहा था, तो विंडो में से मैं पूरा ये देख रहा था, तो एक बार में चारों के चारों सीजन दिखा दिए इसने। सबसे पहले क्लाउड्स थे, क्लाउड्स गए तो सन आ गया, धूप थी बहुत, और उसी के बाद तुरंत स्नो भी पड़ी और बारिश भी हुई। मतलब एक घंटे का लेक्चर था, मैंने एक घंटे में सभी सीजन देख लिए। तो अभी समर धीरे धीरे आ रहा है, तो अभी मजा आएगा, और ये जैकेट भी निकालना पड़ेगा, दूसरा पहनना पड़ेगा। ये मेरी डॉर्मिटोरी है, और ये है ना रोजा लक्जमबर्ग प्लाज है, तो ये स्टेशन का नाम है रोजा लक्जमबर्ग प्लाज, और हमें जाना है अभी हम आप बानो मेन स्टेशन पे जाएगी। और क्योंकि चीज ये है कि डायरेक्ट तो यहाँ पे ट्रेन नहीं है, तो मेरे को दो ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, तो दो ट्रेन यहाँ पे मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। और वो पहले है 13 नंबर पकड़ूंगा मैं, और देन बीच में एक स्टेशन आता है ना वहाँ से 10 नंबर, तो डायरेक्ट नहीं जाती, तो मेरे को दो ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। और ये चीज़ है ना 15 से 20 मिनट ले लेती है। तो यहाँ पे ना जैसे एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको घर नहीं मिला ना नजदीक यूनिवर्सिटी से, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप जब डॉर्मिटोरी में अप्लाई करो ना, तो उसको गूगल में एड्रेस डाल के देख लेना कि आप कौन सी डॉर्मिटोरी में अप्लाई कर रहे हो, और या तो पर्टिकुलर आपका जो भी प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हो तो उसमें भी आपके, तो उसका एड्रेस भी आप गूगल पे डाल लेना,
और देख लेना कि आपको कौन सा नज़दीक पड़ रहा है ना यूनिवर्सिटी से, तो उस हिसाब से आप घर का चूज करना, वरना डेली का आधे घंटा आधा घंटा का आधे पौने घंटे का तो गिन के चलो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो ये सीन है यहाँ पे, तो मेरा है ना पूरा दिन का आधे से पौना घंटा तो ऐसे ही हो जाते, और अगर एक आधी ट्रेन छूट गई तो भाई ख़त्म, तो अभी पौने एक घंटा भी हो सकता है, एक घंटा सवा घंटा भी लग सकता, तो ये चीज़ है। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, ओ भाई फुलो फुल है, पूरा का पूरी कंजेस्टेड है आज। हमें ना अभी वहां पे जाना है, बट आज यहाँ ये वाली ट्रेन है ना जल्दी पकड़नी पड़ती है वरना निकल जाती। वो वाली ट्रेन को पकड़ना है भाई, वो निकल गई तो खत्म है अभी। खत्म गए भाई, ट्रेन निकल गई। ओ भाई साहब देखो ऐसा होता है, अगर भागा नहीं ना तो ट्रेन निकल जाती है। और एक आ रही है एक मिनट में, अभी भी एक है देख लो। और एक आ रही यार एक मिनट के बाद, तो बच गए आज दोनों ट्रेन साथ में ही थी, तो और एक ट्रेन है तो अभी टेंशन नहीं है, वरना 10-10 मिनट तक रुकना पड़ता है इस स्टेशन पे। जो आपको बताया था ना कि अगर आपका घर नज़दीक है ना यूनिवर्सिटी से तो सही है, वरना आपको मतलब ये ट्रेन छूट गई तो ख़त्म। आ गई मैं ये वाले स्टेशन पे उतरना है क्योंकि यहाँ से ना मेरी यूनिवर्सिटी नज़दीक पड़ती है, तो जो से आगे जाएगा ना तो दूर पड़ेगी मेरे को, तो ये यहाँ से जाऊँगा तो मैं नज़दीक पड़ती है तो हम यहाँ पे उतर जाएंगे। तो मेरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए दो रूट है, हाटवे ड्रेसडन, मेरी यूनिवर्सिटी HTW ड्रेसडन, कई सारे लोगों ने मेरे को पूछा था तो मैं बता देता हूँ वो भी। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ ना वहाँ से दो रूट आते हैं, एक यहाँ पे और दूसरी में
अगर इस ट्रेन में बैठे रहता तो ये यहाँ से तो मैं उतर भी सकता हूँ, उस साइड भी जाके जा सकता हूँ। बट हमारी ये यूनिवर्सिटी है ना, कई सारी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, तो यहाँ से है ना मुझे नज़दीक पड़ती है एस बिल्डिंग, तो अगर मैं इस स्टॉप पे उतरूंगा ना तो एस बिल्डिंग नज़दीक पड़ेगी मेरे को, तो इसलिए मैं इस रूट से जाता हूँ। बहुत ही ज्यादा हवा रही है। ये जो है ना वो मेरी यूनिवर्सिटी की जेड बिल्डिंग है, हम एस में जाएंगे, एस यहाँ से। इस बिल्डिंग आ चुकी है, तो मैं मेरे लेक्चर अटेंड कर लेता हूँ। दो लेक्चर है, 9:22 है एक, और एक है 1:30 बजे तक, तो 10 से 1:30 बजे तक भी मेरा लेक्चर है। तो लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। तो मैं ना आप लोगों को यहाँ के क्लासरूम दिखा देता हूँ, चलो मेरी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम देख लो आप एक बार। तो यहाँ पे अंदर आओगे ना तो ये पूरा हॉल है, और मुझे इस क्लास में जाना है तो यस 529 में जाना है। तो हम बंद कर देंगे ये रूम, तो देखो ऐसा क्लासरूम आता है, बहुत ही बढ़िया क्लास है। और ये यहाँ पे प्रोजेक्टर होता है ये, और ये आज मैं जर्मन की क्लास में आया हूँ, तो ये मिरर है, और यहाँ पे वॉश बेसिन भी होता है। मतलब आप ये पानी का क्या है पता है आपको, जो भी नल में ऐसे आ रहा है ना वो सब आप पीने का ही है। अगर बाथरूम में भी जाओगे ना तो वो भी पीने का होगा, घर पे जो आ रहा है वो भी पीने का होगा, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से भी पानी भर सकते हो। और ये यहाँ पे टिश्यू है, बहुत ही बढ़िया क्लास होते हैं यहाँ पे, सही है भाई। ये देख लो ये हीटर है, तो हमें इससे हमें यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ से व्यू देख लो, हम 5th फ्लोर पे है अभी। और जर्मन लैंग्वेज का कई सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे, तो जर्मन में ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ना जर्मन के कोर्स प्रोवाइड करती है, मतलब ऑलमोस्ट सभी तो करती है बट कुछ नहीं करती वो, मतलब वो आप देख लेना कि सब नहीं करती, बट जो करती है ना उसके आप सिलेबस जब आप उसमें अप्लाई करो ना तो आप देख लेना कि वो जर्मन का कोर्स दे रही है कि नहीं दे रही। तो मैंने है ना A1 किया 1st सेमेस्टर में, और उसमें मेरे 1 to 5 में ग्रेडिंग होता है, तो 1 होता है ना हाईएस्ट होता है और 5 लोएस्ट होता है, तो मेरे उसमें 1.7 आए थे। और यही था कि आपको वीक में 2-3 लेक्चर होते हैं वो अटेंड करना है, और आपको टाइम टेबल के हिसाब से आप चलोगे ना तो सभी लैंग्वेज आप कर पाओगे। तो देख लो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में A1 कर लिया, दूसरे सेमेस्टर में A2 कर लूँगा, आज ही A2 का ही क्लास है, देखो डाफ A2। तो मतलब ये जो क्लास है ना वो इसमें जाने का होता है, तो अभी मैं प्रोफेसर आएगी ना, प्रोफेसर आने के बाद हम उस क्लास में जाएंगे, तो उसमें कुछ बोर्ड वो सब सही है, तो वहाँ पे पढ़ने का मज़ा आता है। तो वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पे आ जाना, और अगर वो क्लास फ्री होगा ना तो हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, तो उनको पढ़ाने का अच्छा रहता और हमें समझने का भी। तो या मैं लैंग्वेज के बारे में बता रहा था, तो लैंग्वेज का यही सीन है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में A1 कर लिया, दूसरे में A2 कर लूँगा, थर्ड में B1 और 4th में B2, ख़त्म। तो इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे ना तो आपको सभी चीज़ें हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी और लैंग्वेज भी हो जाएगी। तो अगर जो लोग को डाउट है कि भाई अभी हमने लैंग्वेज नहीं आती तो क्या करें, तो या तो इंडिया से सीख के आओ। इंडिया से सीख के आने का फ़ायदा ये है
कि आपको क्या होगा कि जॉब्स यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत मतलब अलग लेवल की जॉब्स है यहाँ पे। अगर आप कहीं पे भी रुक जाओगे उनको बोलोगे जॉब हाँ तो है उनके पास जॉब है, बट लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको सभी जगह पे जॉब मिल जाएगी, तो आप टेंशन मत लेना। अगर लैंग्वेज सीख के आओगे तो वो बेनिफिट है, अगर नहीं आती तो कुछ नुकसान भी नहीं है, आप यहाँ पे आके भी सीख सकते हो। और मैंने जैसे बोला कि लास्ट वीडियो मैंने जॉब की अपलोड की थी, उस हिसाब से आप एक दो जॉब कर लोगे ना तो पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा, तो वो भी टेंशन नहीं है यहाँ पे अभी। तो ये चीज़ें अभी अगर आप सभी चीज़ें मैनेज करके चलोगे ना तो सभी चीज़ें हो जाती है, इजी है सभी चीज़ें, बट आपको उस पर कंसंट्रेट करते रहना है, मतलब घबराना नहीं है कुछ भी, मतलब सभी चीज़ें हो जाती है, टाइम लगता है, बट अभी देखते हैं, अभी प्रोफेसर आएंगे तो बाद में हम लेक्चर स्टार्ट होगा, तो अभी तो मैं प्रोफेसर आएंगे तो मैं नहीं बता दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ मैं जब फर्स्ट क्लास में आया था ना तो मेरे को मेरे सीनियर्स ने बताया था कि यहाँ पे अगर बोर्ड का भी फोटो लो ना तो उनको पूछ के परमिशन लेके फोटो लेना, क्योंकि सभी लोग पसंद नहीं करते, सभी प्रोफेसर पसंद नहीं करते, कुछ कुछ नहीं बोलेंगे बट अगर ऑफेंड हो जाएंगे ना तो आपको मतलब डांटेंगे, तो आप ये ध्यान रखना सब चीज़ें कि परमिशन के अलावा परमिशन के बगैर कोई भी काम नहीं करना है हमें यहाँ पे, वरना लग जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये क्लास है देख ही लिया होगा आपने, और यहाँ पे CO2 लेवल मॉनिटरिंग भी है, तो ऊपर दिखाता है कि कौन सा सही है, देखो वहाँ पे, तो ये है ना यहाँ पे हमें दिखाता है CO2 का कितना है, वो टेम्परेचर भी दिखाता है और ह्यूमिडिटी भी दिखाती है। तो इसका लॉजिक ये है कि लेट्स से क्लास में बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो प्रोफेसर को पता चल जाता है कि लेट्स से CO2 का लेवल जैसे इंक्रीज होगा ना तो लोगों को नींद आने लगेगी, तो क्या करते हैं कि जैसे CO2 का लेवल मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाता है ना तो ये विंडोज खोल देते हैं, तो मतलब एयर आ जाएगी अंदर, फ्रेश एयर, तो नींद नहीं आएगी लोगों को। तो इतनी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे लोग कंसल्टेट करते हैं कि लेट्स से CO2 का भी वो मॉनिटर रखा है कि कितना CO2 है अभी क्लास में, तो अब देखो अभी 484 है, अभी कितना है 484 है 88 CO2 की ले, तो CO2 की कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए रूम में वो भी लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा कि बहुत ही बेस्ट है, सभी चीज़ें ये लोग ख्याल रखते हैं आपका। और तो मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस क्या है ना, तो मैं सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके आपको सब डिटेल्स देता रहूँगा ताकि आप लोगों को भी यहाँ आने से पहले ही आइडिया आ जाए कि आप यहाँ पे क्या देखने वाले हो सब, है ना। तो ये चीज़ है, तो मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आई होप आप लोगों को पसंद आए, ये देख लो व्यू, क्या सही दिन है आज, बहुत ही सही दिन है। और ये है ना ड्रेसडन, ड्रेसडन है ना पहाड़ों के बीच में, तब देखो ये पूरी वैली है यहाँ पे कैंपस, और हमारा एक कैंपस है ना वो भी पहाड़ों में है, तो एक कैंपस तो यहाँ पे, दूसरा पहाड़ों में कैंपस है, और मेरा कोर्स भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो ये चीज़ें है ना प्रैक्टिकली ज़्यादा है यहाँ पे होक्सुले में। तो मैं जो हूँ ना, मैं जो यूनिवर्सिटी में, इसको हाथवे ड्रेस्टन STW ड्रेस्टन बोलते और उसको बोलते होक्सुले, है ना, तो होक्सुले है तो यहाँ पे ना हमारे में TU के कंपेयर में ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क आता है, तो आप रियल लाइफ चीज़ के ज़्यादा करीब रहते हो और सभी चीज़ें आपको मतलब क्लोजली आप ऑब्जर्व करके सभी चीज़ें पढ़ते हो। तो हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हमारा एक लेक्चर है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सब खेत है, तो वहाँ पे जाते हम पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। तो चलिए अभी प्रोफेसर आ जाएगी तो मैं आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद मिलूँगा, है ना। मतलब ये हमारा क्लाइमेट चेंज का क्लासरूम है, तो मतलब यहाँ के लेबोरेटरीज कैसी होती है, हम कैसे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं ना, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा है क्लासरूम, मतलब इसमें हम जो भी मॉडलिंग और जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं ना क्लाइमेट है ना वो हम पढ़ते हैं, तो यही है सीन। और यहाँ से व्यू देख लो, ये हम यहाँ पे 8th फ्लोर पे, तो ये पूरा क्लासरूम है, तो ये सब चीजें, और अभी ब्रेक हुई है तो एप्पल खा रहा हूं।
20 के बाद है ना और एक लेक्चर है इसका, यहाँ पे ही है। तो इसके दो लेक्चर थे, एक लेक्चर खत्म हुआ, ब्रेक पड़ा एक घंटे का लंच ब्रेक, तो अभी खाना खा लेंगे देन वापस से स्टार्ट होगा लेक्चर एक घंटे के लिए, बाद में घर जाएंगे। और बाद में घर जाके हम एक चीज़ करने वाले, मैं आपको दिखाऊंगा वो हम चीज़ें, हम लोग एक चीज़ कुक करने वाले हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे आके कई सारी इंडियन फूड की क्रेविंग होती है, तो यहाँ पे मिलती तो है नहीं, हम बनाते हैं यहाँ पे घर पे, तो हम बनाएंगे, वो आपको दिखाऊंगा क्या बनाने वाले हैं। तो ये देखो, ये मेन स्टेशन है, यहाँ से दिखता है ये ना, ये हाफ बानो पे मेन स्टेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं उतरता था, ये अमेजोन की बस है ना, मुझे यहाँ पे ड्रॉप करती थी और मैं यहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आ जाता था। तो ये इतना नज़दीक है मेन स्टेशन यहाँ से, तो उस टाइम पे मैं 11 बजे यहाँ पे पहुँचता था और 11:30 को मैंने यहाँ पे इस बिल्डिंग में लेक्चर थे, तो उस हिसाब से मैं सभी चीज़ें मैनेज करता था। तो बस यही है, अभी नेक्स्ट लेक्चर ख़त्म होगा, बाद में शॉपिंग के लिए जाएंगे, शॉपिंग करने के बाद घर पे जाएंगे, कुक करेंगे और कुक करके रात को सो जाएंगे। तो यही पूरा दिन का रूटीन है आज, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सभी चीज़ें। और अभी लेक्चर, अब तो अभी थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, बाद में हम लेक्चर ख़त्म होने के बाद मिलेंगे। तो भाई लेक्चर ख़त्म, अभी जा रहे हैं घर, और घर जाते जाते मुझे जाना है शॉपिंग करने, हम जाएंगे सुपरमार्केट में, तो आज एक चीज़ बनानी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हम बनाने वाले हैं शॉपिंग करने, पोटैटोस लेने, और उसके हम चीज़ बनाने वाले हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या बनाने वाले, क्योंकि उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पे मिलती नहीं है और मुझे खाने का फूल ज़्यादा ही मन है आज, तो वो बनाना है आज। तो अभी सुपरमार्केट में जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हम ले रहे हैं। आज भाई सनी डे है, रोज नहीं होता, आज कुछ ज्यादा ही धूप है, तो आज बढ़िया दिन है। और अभी समर आ रहा है ना, तो सनसेट लेट होता है रेगुलर से, तो विंटर में सनसेट हो जाता था 4 बजे 4:30 दोपहर को सनसेट हो जाता था, बट अभी समर में है ना 6-7 बजे तक जाता है, तो वो सही है अभी समर में, तो समर में ज़्यादा मज़ा आएगा। और क्या क्या अभी है ना, यहाँ से हमारी ट्रेन आएगी इस स्टॉप पे और वहाँ से हम जाएंगे सुपरमार्केट, बाद में वहाँ पे जाके पोटैटो और वो सब चीज़ें लेने। तो चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे रोड क्रॉस करने की, यहाँ पे ग्रीन हो ना तभी करना है क्रॉस, और यहाँ से आप ये प्रेस करोगे ना ये, तो वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, जब ग्रीन होता है तभी हमें जाना है, वरना अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो 60 यूरो लिख के चलो, 60 यूरो का फाइन है। तो ये चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, इनके जो ट्रैफिक के रूल है ना वो हमें फॉलो करना है। देखो होगा अभी ग्रीन, होगा 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 होगा, हो गया, चलो ये ग्रीन हो गया। हाय, ये ग्रीन हो गया, बाद में क्रॉस कर लेंगे, समझ गए। हाँ चलो, ओके बाय। अभी हमारी ट्राम यहाँ पे आती ही होगी, आ ही रही है। कौन सी है भाई ये? 8 नंबर बस, जो ये वाली ट्रेन में जाना है हमें, जो आ रही है ना उसमें। कुछ ज़्यादा मन हो रहा है भाई वो चीज़ बनाने का, और मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा, घर पे जाके डायरेक्ट बनानी है, और मैं आपको दिखाऊंगा क्या बनाने वाले हम। तभी हम सुपरमार्केट में आ चुके हैं, और
हाँ आल्डी। और हमने ये वीडियो बनाया था इसका, ये सुपरमार्केट का, देखो ये जो है ना यूट्यूब पे मेरे, ये है। और अभी हम जाएंगे ऊपर वाले में, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, और हमें जो लेना है वो भी ले लेंगे। तो पोटैटो लेने थे हमें, तो पोटैटो भी आ गए। और इस चीज का हम मेन चीज बनाने वाले, ये जो है ना इसकी हम बनाने वाले मेन, तो ये है, इसमें पोटैटो लगेंगे। बड़ी है सुपरमार्केट, तो मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं पाऊंगा पूरी, बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका भी वीडियो बना के दूंगा। बट तब तक के लिए आज तो मेन एम हमारा ये है कि हमें जो चीज की याद आ रही है ना वो बनाना। मिल्क लेना है, मिल्क हमें, मिल्क यहाँ पर मिल्क, और कोला को तो कैसे भूल सकते हैं हम, कोला तो नहीं भूलनी है हमें, कोला यहाँ पर, ये वाली जो हम बनाने वाले हैं ना, मेरे को नहीं पता, ये इनको पता है। तो अभी हम बनाएंगे, कब का सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्या बनाने वाले हम पता चल जाएगा। ये तो शॉपिंग कर ली है, और अभी हम डायरेक्ट जाएंगे घर, और घर पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग क्या बनाने वाले और कैसे बना रहे हैं वो चीज़। तो क्योंकि वो भाई वो ऐसी चीज़ है ना, मेरी फेवरेट थी मैं जब इंडिया में था ना तब, तो बट यहाँ पे वो नहीं मिलती, तो ये वो बनानी पड़ेगी घर पे। कमल आ चुका है, मिल्क, कोला, पोटैटोस, एंड ये हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसके सिवा वो चीज़ नहीं बन सकती। तो अभी देखते हैं क्या बनता है इन चीज़ों से। तो पोटैटो हमने पका लिए, अभी बाद में मसाला बनाएंगे, और मसाला बनाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो बनती है वो, और देन आपको पता चलेगा कि हम फाइनली कितने दिनों से मैं इस चीज़ के लिए वेट कर रहा था और आज बनेगी। तो देखते हैं अभी कैसी बनती है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि जर्मनी में अभी फूड क्रेविंग्स कैसी होती है, हमें मतलब इंडियन फूड की क्रेविंग्स कितनी होती है ना। वो देख लो, ये पोटैटोस पक चुके हैं पूरी अच्छी तरीके से, अभी इसको हम छीलेंगे, बाद में इसका मसाला बनाएंगे। तो ये मसाला बनाना है, तो सबसे पहले ये मसाला भी पैक कर लेता हूं मैं। ये सब चीजें मैंने ली है, नॉर्मल हमें पोटैटो का मसाला ही बनाना है अभी, तो मसाला बना लेंगे हम बाद में, मेन जो चीज है ना वो बाद में आएगी। पोटैटो डाल देंगे फाइनली, तो अभी मैं आप लोगों को बताया चलो हम क्या बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं पोप, तो इंडिया में तो मुझे बहुत पसंद है पोप खाना, बट यहाँ पे मिलते नहीं है पोप, तो हमें घर पे बनाना पड़ता है। तो मैं पहली बार बना रहा हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ये है ना रेडीमेड ही मिलता है, जो पोप का जो लेयर आता है ना वो रेडीमेड ही मिलता है, और हमें वो मैं आपका किसी भी जाओगे ना सुपर मार्केट में तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसको लेना है ऐसे, और जैसे स्प्रेड कर देना है, इसे रोल ही आता है पूरा, और इसको इसके ऊपर अभी हम मसाला रख देंगे, जो हमने पॉप का जो मसाला हमने बनाया था ना वो हम रख देंगे। तो मसाला आ गया, अभी सबसे पहले इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। बटर लगा दिए, अभी हम मसाला लगा देंगे।
तरीके से मसाला स्प्रेड कर दिए, विद देन इसको है ना इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो लेट से यहाँ से कटा हुई एक हो गया, देन दूसरा, देन ये तीसरा, देन ये चौथा, कर दिए ऐसे चार बार, मतलब पांच पॉप बनेंगे एक में। अब इसके बाद इसको रख देंगे साइड में और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तरीके से हुआ, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, निकाल के ठीक तरीके से इसको डाल के इसको हम बंद कर देंगे ऐसे। पिक कर दिए, तो ऐसे हम ऐसे हो गया ऐसा, तो ऐसे हम सबका कर लेंगे एक। तो मैंने इन सबको पैक कर लिया है और अभी इसको हम बेक करेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे हम और अभी देखते हैं कि क्या बनता है। अभी यही होप है कि पफ बन जाए, बट पफ हम पफ बोलते हैं गुजरात में, कोई मुंबई के आसपास के लोग, कई सारे लोग पैटिस भी बोलते हैं उसको। तो देखते हैं अभी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, और जैसे बनता है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या बना है, और इतनी मेहनत जो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई वो भी हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स होप अभी अब फाइनली बन चुके हो, 5 मिनट में रखा था, अभी देखते हैं कि क्या बना है। बन गए भाई, देख लो भाई क्या पफ बने। और ये है ना मैंने दूसरे शेप में भी ट्राई किया था, मैंने जब बनाया ना उसमें, वो मैंने आपको ये बताया था, बाद में मैंने सोचा कि वहां पे मिलते उस हिसाब से बनाया, तो मैंने ये शेप में भी ट्राई किया, देख लो आप बहुत सही बने। फाइनली मैं आज कई सारे, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद मैं फाइनली ये पफ खाऊंगा आज। तो कई सारे दिनों से मैं इंतजार कर रहा था इस चीज का और मैंने आज बना ही ली। पफ ट्राई करते हो कैसा बना है। भाई ये जो फीलिंग है ना वो जन्नत, मेरी ये चीज जन्नत है। तो चलिए मैं पहले खा लेता हूँ, मेरे को अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, तो पहले ये खत्म कर लेता हूँ, बाद में हम बात करते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेरी डेली लाइफ यहाँ पे कैसी है और कितनी फूड क्रेविंग होती है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को। हम यहाँ पे इंडिया से आते हैं और किसी भी रीजन से आते हैं हम, तो हमारी नेटिव जो फूड होता है उसकी कितनी क्रेविंग होती है ना, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे मिलता नहीं है, तो हमें खुद से बनाना पड़ता है। देन बाद में इस वीडियो को एडिट भी करना है, तो एडिट करने के बाद सो जाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आके पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जो चीज़ हम वहाँ पे खाते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।